बरेली की बर्फी का स्वाद कैसा है ये बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजकुमार राव और मेरी तरफ इस तरफ बैठे हैं आयुष्मान खुराना और कृति सेनन. इन तीनों से ही जानना चाहेंगे क्या कैसा है बरेली की बर्फी का स्वाद और कितना एंजॉय किया आप लोगों ने वहाँ की बर्फी खा के. यार हम ऑफकोर्स ये बात बोल चुके हैं पहले कि बरेली की बर्फी सिर्फ मीठी नहीं बल्कि नमकीन भी है, मसालेदार भी है, चटपटी भी है, सब फ्लेवर इसके अंदर आपको नजर आएंगे. मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरे लिए एक अलग तरह की बर्फी थी, एक अलग दुनिया थी. और ऑफकोर्स कैरेक्टर भी मैंने पहले ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया है और हमने मोस्टली लखनऊ में शूट किया लेकिन हमने बहुत खाया और बर्फी भी खाई. बर्फी के साथ साथ इमरती, मालपुआ, समोसा, जलेबी सब कुछ खाया. आपका जो अंदाज है बहुत अलग नजर आ रहा है, मतलब हम आपको तरह तरह के कैरेक्टर्स में देखते हैं लेकिन इसमें एक बहुत अलहदा कैरेक्टर है और अलहदा अंदाज भी आपके बात करने का, उस बारे में बताइए. सर कोशिश यही रहती है कि हर बार कुछ अलग करने का मौका मिले और जब मिलता है तो हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि आपको यू नो बिलीवेबल करवा पाएं उस कैरेक्टर को. तो इसमें भी बहुत मजा आया करने में. प्रीतम विद्रोही एक बहुत ही यूनिक सा कैरेक्टर है, उसके दो जो अलग तरह पहलू हैं जो उसकी पर्सनैलिटी के, वो मुझे एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आया एज एन एक्टर. आयुष्मान, आप दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार बनकर आने की कोशिश कर रहे हैं. आप वैसे तो बहुत सीधे साधे से किरदार निभाते हैं, इसमें बहुत किरदार थोड़ा सा एक विलेनिश टर्न ले लेता है. देखो दीवार कौन है आपको पिक्चर देखने का पता लगेगा. वो दीवार है हमारे बीच में या फिर मैं दीवार उनके बीच में, वो दीवार हमारे बीच में, वो आपको देखने के बाद पता लगेगा. हमारा ब्रोमांस भी बहुत है फिल्म के अंदर, बाय द वे रोमांस के साथ साथ ब्रोमांस बहुत है हमारा, मतलब हम गिव एंड टेक काफी है. लेकिन हाँ, पहली बार मैं एक अग्रेसिव या बुली सेल्फिश कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए. उसको भी वल्नरेबल साइड है, थोड़ा बिलीवेबल बनाया मैंने उसे. सो देखिए आप 18 अगस्त को. स्मॉल टाउन गर्ल, ब्रेक डांस करती है और बहुत अलग स्लैंग में बात करती है, ये अंदाज हमने आपका नहीं देखा, तो आप सरप्राइज करें ऐसा कह सकते हैं? ये आप फिल्म देखने के बाद ही कह सकते हैं, आई होप कहें. बट मेरे लिए बहुत मजेदार था. आई थिंक खुद सरप्राइज हुई इस किरदार से. आई थिंक मैं अपनी परफॉर्मेंस का तो नहीं बोल सकती हूँ, बट मुझे बहुत मजा आया ये कैरेक्टर प्ले करने में. और मेरे लिए जब मैंने सुनी ये कहानी तो मुझे बिट्टी का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा था. बहुत क्वर्की है, काफ़ी अलग है, जो नॉर्मल हमारी इमेज होती है स्मॉल टाउन लड़कियों की, उस इमेज को थोड़ा ब्रेक करती है. काफ़ी टॉम्बॉयश है और जो उसकी हरकतें हैं वो भी मतलब थोड़ी हटके हैं और जो मुंह में आता है बोल देती है. तो बरेली की तो है ही, बट काफ़ी मुफट है, काफ़ी बिंदास है. तो मुझे बहुत मज़ा आया प्ले करने में. इस फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा कि आप तीनों बहुत ही एकदम बेबाक अंदाज में डांस करते भी नजर आ रहे हैं और खासकर मैं राजकुमार के बारे में पूछना चाहूंगा कि ये अंदाज हमने नाचता हुआ झूमता हुआ अंदाज आपका नहीं देखा था. आप वेट कर रहे थे कि ऐसी कोई फिल्म मिले जिसमें आप ब्रेक फ्री होकर पूरी तरह से डांस करें? नहीं सर, मैं वेट तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था कि ऐसी कोई फिल्म में डांस करने का मौका मिले, पर मुझे डांस करना पसंद है, मुझे काफ़ी मज़ा आता है डांस करने में. और जब किसी फिल्म में ऐसा मौका मिलता है तो ऑफकोर्स जैसा आपने कहा मैं बेबाक डांस करता हूँ उसमें. इससे पहले की फिल्म में ऐसे कुछ उम्मीद थी नहीं कि डांस किया जाए. शाहिद और ट्रैप जैसी फिल्मों में आप ऑफकोर्स एकदम से कट टू डांस नंबर में नहीं जा सकते हो, पर इसमें था ऐसा एक मौका जिसमें हमको तीनों को डांस करना था साथ में. तो आई थॉरली एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस. एक रियल शादी में आप लोगों ने गेट क्रैश किया था, उसके वीडियोज और कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, उसके बारे में जानना चाहेंगे? देखिए गेट क्रैश किया था, बहुत मजा आया था. इवेंट वालों को हमने बता के गेट क्रैश किया था लेकिन वहाँ के जो दूल्हा दुल्हन थे उनको बिल्कुल नहीं पता था, किसी को नहीं पता. और वहाँ पर दे वो वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज की, हमें देखकर काफी खुश हुए थे. अपना गाना स्वीटी तेरा ड्रामा हमने बजाया था तो उस पर हमने डांस किया था और कृति को तो शायद हमें स्टेप्स मालूम नहीं थे, वहाँ पे एक और लड़की थी उसको सारे स्टेप्स पता थे. दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. स्वीटी तेरा ड्रामा सिर्फ 2 दिन ही हुए थे आए हुए तब तक, बट स्टिल दे न्यू द सॉन्ग एंड दे वर डांसिंग ऑन इट. और हमने 2 बार बजाया, मेरा मन था कि हम तीसरी बार भी बजाएं पर मार्केटिंग टीम हमें खींच के ले गई थी वापस. लेकिन बहुत मजा आया और मेरा पहला एक्सपीरियंस था. ये तो गेट क्रैश कर चुका है, मतलब जब बचपन मैं और राज दोनों गेट क्रैश कर चुके हैं बचपन में, साथ में नहीं किया लेकिन अलग अलग अपने पड़ोसियों के साथ, लड़कों के साथ गेट क्रैश खाना खाने के लिए करके पहली बार किया. अनाउंस किया हमने अंदर घुस के, पहले बोला हमने गेट क्रैश किया. पब्लिक फिगर पहली बार किया है बेसिकली, उससे पहले तो मतलब, और इस बार पकड़े जाना भी एक मकसद था ऑफकोर्स. पहले तो हम छुपे छुपे पहली बार बिना खाए निकल गए वहाँ से, तो खाने के लिए तो गेट क्रैश करते थे. बहुत ही मजा आता है आई थिंक छोटे शहरों में शादियों में घुस जाना और खाना खाना और फिर
वहाँ की एक सब्जी खाई ना, यहाँ की अच्छी सब्जी नहीं है, एक और शादी हुई वहाँ चल के खाते हैं, तो डिज़र्ट कहीं खाना और छोले भटूरे कहीं और खाना और फिर पुचका कहीं और, गोलगप्पे कहीं और जाके खाना, आई थिंक बहुत मज़ा है। ये सब मज़ा छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा है और कोई डर नहीं होता कि आप पकड़े गए, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं शादी में, बारात में, लड़की और बच्चे भी थे, मतलब हाँ क्या भी पकड़ भी लेंगे तो क्या होगा, बोल देंगे भाग जाओ यहाँ से कहीं और जाके खा लेंगे। चलो आप तीनों को मैं बता दूं कि मैंने भी शादी गेट क्रैश की है कई बार अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में। कभी पकड़े गए? कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जिस शादी में गया था वहां पर मेरे एक रिश्तेदार पहले से मौजूद थे, वो लड़की वालों की तरफ से आए थे और मैं उनको देख के घबरा गया और फिर मैं वहां से भाग गया। भागना नहीं चाहिए, मैं साथ ही हूँ, अरे ये तो अपने लोग हैं तो खड़े रहते साथ में। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने शादी गेट क्रैश की हो और कोई पहचान का वहां पे नजर आ गया हो और डर लगा हो कि सामने वाला पूछेगा यार कि ये कहाँ से आए हो, किसकी तरफ से हो? नहीं, डर तो कभी नहीं लगा, डर होता तो जाते ही नहीं, क्योंकि एक तो बच्चे थे ना, ज़्यादा कुछ मतलब एडवेंचर के तौर पे करते थे कि चलो मज़ा आएगा, चल खाने चलते हैं। लेकिन हाँ कभी कभी कोई दूर का पड़ोसी दिख जाता था तो उससे थोड़ा बचते बचाते किसी और स्टॉल पे जाके खा लेते थे। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई जाना पहचाना व्यक्ति वहाँ नजर आया, आप लोग धूम दबा के भागे हो? नहीं यार, ऐसा भागने की नौबत कभी नहीं आई, लेकिन हाँ मैं और मेरा भाई तब डांस करते थे तो एक बार किसी अंकल ने पूछ लिया, अरे बेटा कितना डांस करते हो, कि किसके बच्चे हो तुम? वहाँ से भागे तब भागे थे बस। सेट पे ऐसी कोई बहुत वियर्ड चीज आप लोगों ने की हो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान, या कुछ वियर्ड सा एक्सपीरियंस आया हो जब आप लोग लखनऊ में शूट कर रहे हैं? एक बार लखनऊ में शूट करते हुए एक ब्रिज पे शूट कर रहे थे मैं और कृति, नहर नीचे बह रही थी तो नहर बहुत हमारा एक फनी सा स्टिंग सी आई, तो क्या है ये, क्या हो रहा है, क्या बाद में पता लगा एक लाश हमारे नीचे से जा रही है लहर में बहती हुई, उसकी मतलब गली हुई लाश थी तो चली गई, जब तक जा रही थी स्मेल कम होती रही, ओनली बॉडी वाज देयर, द बॉडी वाज देयर, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, प्रोडक्शन वाला पुलिस को फोन किया, ये किया वो किया, लेकिन यू नो वुडी एलन ने बोला कि कॉमेडी इज ट्रेजेडी प्लस टाइम, तो वो अब सोचते ना अचानक ही सीन चला, अचानक ही ऐसे लाश नीचे चली गई, तो अजीब अब हंसी आती वो सोच के। हाँ नहीं बट सीरियसली आई थिंक वो काफी दिन से शायद थी वहाँ पर, बिकॉज फूली हुई थी बॉडी एंड ऑल, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिंक आई थी एक, और आके थोड़ी देर में चली गई बिकॉज वो जैसे पास हुई, एंड फॉर सम टाइम क्योंकि हम तब ना सीन रोल करने वाले थे तो फॉर सम टाइम हम लोग सब थोड़ी देर के लिए चुप हो गए थे, कुछ समझ नहीं आया क्या करें, वी टुक लाइक अ 10 मिनट ब्रीदर एंड देन वी स्टार्टेड। सर ये तो मतलब मैंने पहली बार सुना है ये एक्सपीरियंस, तो मैं भी डर गया सुनते सुनते कि ये क्या हो रहा था। पर हमारी फिल्म हॉरर फिल्म बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट अ साइको थ्रिलर, इट्स अ कॉमेडी। आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि राजकुमार को एज अ डांसर कैसे रेट करना चाहेंगे आप लोग? आप लोग ने भी नहीं देखा इस अंदाज में? मैंने पहले देखा हुआ है, मैं इनकी फिल्म कौन सी फिल्म थी वो, डॉली की डोली, बहुत अच्छा इनकी फिल्म थी डॉली की डोली, और उसमें इतना अमेजिंग डांस किया था, और जब डांस ये कर रहा था तो मैं वहीं सेट पे था, मैं सोनम से मिलने आया था, वो बेवकूफियां के टाइम की बात है ये, तो मैं शॉक्ड, मैं कहा यार ये क्या कमाल डांसर है, तो मैं जानता था कि अच्छा डांस करता है ये, बहुत अच्छा डांसर है, और सबसे बेस्ट है कि इसे डांस करना अच्छा लगता है और ये दिल से डांस करता है, और आप अगर स्वीटी तरह ड्रामा भी देखोगे तो उसमें मतलब बिना किसी रोक टोक, कोई देख नहीं रहा है इसको, ये अपना लगा हुआ है, और आई थिंक दैट्स व्हाट इज डांस अबाउट, यू नो इट मतलब आपको डांस करते हुए देखकर मेरा मन करना चाहिए कि मैं डांस करूं, सो दैट्स व्हाट हैपेंस विद हिम। राजकुमार इतनी तारीफ सुनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? कुछ नहीं, दोनों को मैं 1000 रुपए दूंगा इसके बाद। नो एक्चुअली राइटली सेड, आई रियली एंजॉय डांसिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मुझे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, मैं मेरी स्टेज की शुरुआत डांस से ही हुई थी, उसके बाद जब एक्टिंग ऑफ कोर्स मेरी जिंदगी में आई तो डांस ने एक पीछे जगह ले ली थी, पर अब भी जब भी कभी मौका मिलता है डांस करने का किसी पार्टी में भी, किसी क्लब में या शूट पे, तो आई रियली एंजॉय द एक्सप्रेशन। चलिए राजकुमार बहुत अच्छे डांसर हैं सबको पता चल जाएगा अभी, लेकिन आयुष्मान बहुत अच्छे सिंगर हैं ये तो सब जानते हैं, इस फिल्म में भी एक गाना गाया उन्होंने, तो कुछ चंद लाइनें अगर यहाँ गुनगुनाए आप लोग सब मिलके तो बहुत अच्छा होगा। सब एक साथ गाए थे, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। आप तीनों का एबीपी न्यूज से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आयुष्मान, राजकुमार और कृति, जिनकी बातों से पता चल रहा है कि बरेली की बर्फी का स्वाद उन्हें कितना पसंद आया, और उन तीनों को उम्मीद है कि लोगों को भी खासा पसंद आएगा। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। ये है
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।